अच्छा जी गैस, मैं रास्ते में था तो बारिश शुरू होगी, बारिश नहीं बर्फबारी हो रही है पिंडी में। ये देखिए बर्फ गिर रही है, सच्ची में पिंडी में बर्फबारी हो रही है। वाह, मतलब कि थोड़ी थोड़ी हो रही है मगर हो रही है, बर्फ गिर रही है मेरे फ्रेंड के ऊपर। ये देखें, ये स्वेटर के ऊपर भी गिर रही है ये। अल्लाह करे, हाँ रोड पे भी गिर रही है। बाल घर जा के मुलाकात होती है भाई। ये देखिए बर्फ पड़ रही है यहाँ पे, ये बर्फबारी पिंडी में हो रही है। ये सारा भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, इंशाल्लाह आगे और भी मज़ा आएगा। कल जाके मुलाकात होती है, बाय बाय। अच्छा जी गाइस, ये देखिए ये कपड़ों में बर्फ गिरी हुई है, बाहर बर्फबारी हो रही है। ये हाँ थोड़ी थोड़ी हो रही है, बारल हो रही है, मतलब के ओले तो होते हैं सख्त वो बॉल की तरह के, मगर ये ऐसे बुरबरी सी है, कपड़ों पे आके चिपक जाती है। सुनाओ पानी। एक मिनट मुझे बात दिखा लें तो वो देखिए गाइस, बार ऐसे तो नज़र नहीं आएगी, अब मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुकी है। पर थोड़ी देर पहले जो है मेरे अंदर भी गए। एकदम ये जैकेट आ गई है, जैकेट आ गई है, नहीं मैं कैसे जैकेट आ गई। अच्छा ये इंटरेस्टिंग, आपने बाहर बर्फबारी तो देख ली होगी, ऐसे ही एक तीर से दो शिकार एक दिन में, दो मतलब कि अच्छी चीज़ें होंगी। एक तो मेरा वो दराज का जो पार्सल है वो आ गया, और एक बाहर आज पता नहीं मैंने आज पहली दफ़ा बर्फबारी देखी है तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और सही एक तो जो होती है ऐसे स्नो सी, वो मेरी शर्ट के अंदर से पीछे से कॉलर से चली गई थी, और बहुत ठंडी ठंडी लगी और बहुत आज मज़ा आया। आपने बर्फबारी तो देखी हुई, थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। बार आज मेरा एक आया है अपा जी, आप कह सकते हैं, ये दराज वालों की तरफ से मैंने बाय किया था। तो ये जो एक पता नहीं किस कंपनी का जिसका भी है आया है अपर है, उसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए आइए अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं। एक शर्ट भी मैंने मंगवाई है, वो शायद कल आएगी तो आपको वो मैं कल दिखाऊंगा। पर ये जो अपर है इसकी तो पहनना लेट तो ना करें, जल्दी से करें, मुझे बेचैनी हो रही है, इससे पहले मैंने देखी नहीं है। चलो अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग। अच्छा जी गाइस, अब हम इसके करने लगे हैं अनबॉक्सिंग। इधर तो कुछ हाथ वगैरह रख लें, जो है कुछ सीक्रेट चीज़ें भी होती हैं वो ना नजर आए। पर बस एक ही पार्सल है जो कि होने जा रहा है। एक मिनट, यहाँ से भी हम खोलें, यहाँ से भी खोलें, और ये आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह खैर, ये अल्लाह साइज पूरा हो, पर जो भी आया जैसा भी अभी हमारा है। ये है जी, इसमें से निकला ये, इसको रख लें साइड में। इसमें से आप पता नहीं क्या निकलेगा, जो भी निकलेगा आप देखते हैं। इस तरफ भी कुछ है, इस तरफ क्या क्या है, जो भी है लीव्स का है, मीडियम साइज, पता नहीं अब मीडियम साइज आता भी है या नहीं, अगर ना आया तो अगले साल पहन लेंगे, यही होगा। इसको मैं कैसे खोलूँ, मैं जी कैंची होगी कैंची। ये देखो जी, ये अब वैसे तो काट नहीं रहा था, अब मैं कैंची से काटूँगा कैंची से। चलिए ये हम काट रहे हैं, इसको ऐसे काटते हैं, ऐसे रख के बूम बूम बूम। ये ना अपर भी काट गए, वो अपर में काट गया, कॉलर थोड़ी सी कटी काट गई। अब शायद इससे निकल गया है, बस ये खुल गया है, और ये आ गया है मेरा अपर। ये रहा मेरा अपर, शायद छोटा ना हो, क्या ख्याल है, पूरा हो गया छोटा होगा। ये है मेरा अपर, प्यारा सा अपर, अब पहन के देखते हैं। अच्छा जी गाइस, ये अपर तो मैंने पहन लिया है, उम्मीद है, मतलब उम्मीद नहीं बल पूरा है ये, मुझे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आ गया। बल मुझे तो डर था छोटा ना हो बड़ा ना हो कैसा होगा कैसा नहीं, मगर बहुत अच्छा आया है दराज जिंदाबाद, क्योंकि जो मेरी चीज़ है उसने वो ठीक ठाक से पहुंचा दी है, सही से मेरी चीज़ पहुंच गई है। बहरहाल और क्या मुझे चाहिए, और क्या था बस,
आज का व्लॉग होने जा रहा है। अच्छा जी गाइस, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे जो है ये जैकेट टाइप वो ये कैसी लग रही है। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं आप कमेंट में वो भी बता दिए बता देना। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।